अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कर्टन्स कैसे बना सकते हैं सिंपल कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं आप कर्टन्स uh, बनाने के लिए तो मैं आज अपने किचन के लिए बना रही हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू मेजर योर लेंथ एंड वर्थ ऑफ द एरिया ऑफ़ योर विंडो ठीक है जो आपकी uh, खिड़की है उसका आपने ऊपर से लंबाई भी नाप लेनी है और उसकी चौड़ाई भी नाप लेनी है अब अगर मैं अपनी विंडो को देखूँ तो तकरीबन 46 सिक्स जो है वो इसकी विड्थ आ, आ रही थी और अगर मैं इसकी लेंथ देखूँ तो तकरीबन जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तकरीबन फिफ्टी सिक्स की लेंथ तकरीबन बन जाती है तो आपने अपनी विंडो को पहले मेजर कर लेना है ठीक है अच्छे से मेजर करने के बाद आपने इसको दो हिस्से आपने इसके लेने हैं ठीक है थीके? क्योंकि हम इसमें फ्रिल आ जाती है तो इसलिए हमें इसका डबल कपड़ा चाहिए होगा तकरीबन ढाई मीटर के कपड़े में आपके आराम से जो छोटे कर्टनस होते हैं वो बन जाते हैं और ये आप देख सकते हैं मैंने दो पीस लिए हुए हैं कॉटन के लिए हुए ठीक है कॉटन के बनते हैं या नेट के बनते हैं जो किचन के होते हैं वो मोस्टली नेट के या कॉटन के बनाए जाते हैं तो आपको मैं ऑलरेडी पिक्चर दिखा चुकी हूँ कि ये कैसे बनेंगे अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले आपने जो जब लेंथ आप मेजर कर लेंगे तो रिमेंबर कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तकरीबन फाइव इंचेस आपने छोड़ देना है और उसके नीचे से आपने मेजर करनी है क्यों क्योंकि ये जो एरिया होता है ये हम जो ऊपर इसको ऐसे फोल्ड करके बना लेते हैं जिसमें हम जो है पाइप आ जाता है तो इसलिए इसको आप मेजर ना करें और उसके जो और एरिया होगा उससे आप मेजरमेंट शुरू करना शुरू कर दें ठीक है या फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं अपने कर्टन के लिहाज से मेजर कर कर रही हूं और आपने अपने कर्टन की लेंथ को मेजर करना है रिमूव द फर्स्ट फाइव इंचेस ऑफ द कर्टन बिकॉज वो आपके uh, लगने में इस्तेमाल हो जाएंगे तो ये दो हिस्से मैंने ले लिए हैं फ्रेंड्स ठीक है ये देख सकते हैं आप दो हैं लेंथ और विथ को अच्छे से मेजर कर लें लेंथ में आपने एक्स्ट्रा फाइव जो है वो इंचज़ छोड़ के बाद में आपने उसकी मेजरमेंट करनी है तो फ्रेंड्स अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन मेजरमेंट कर लिया मैं साइडों से इसको काट लूँगी अब ये मैं दो पर्दे बना रही हूँ ठीक है आप चाहे तो आप एक भी बना सकते हैं लेकिन क्योंकि मैं ऊपर जो है वो फ्रिल और रफल्ड बनाऊंगी और ऊपर मैं एक शेड की तरह का कपड़ा भी लगाऊंगी जैसे कि आप ऑलरेडी पिक्चर में देख चुके हैं थंबनेल में देख चुके हैं तो इसलिए मैं इन दोनों को काट लेती हूँ ठीक है मैं दो कर्टन्स बना रही हूँ अपनी विंडो के लिए आप चाहे तो आप एक भी सिंपल कर्टन भी बना सकते हैं ये मैं आपको बहुत सिंपल वाले कर्टन सिखा सिखा रही हूँ ठीक है ओके सो अब आप ये देख सकते हैं दो मैंने डिवाइड कर ली अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पार्ट पे अब जो ऊपर जो हम शर्ल्ट जो शेड डालेंगे ठीक है ये उसका कपड़ा है एग्जैक्टली सेम विर्थ आपने रखनी है तकरीबन फोर्टी सिक्स जो है वो इसकी भी विर्थ होगी ठीक है और नीचे से मैंने देखें आप मैंने वो कर लिया है इसको थोड़ा सा फोल्ड करके मैंने सी लिया है ये भी डबल कपड़ा है क्योंकि देखें इसमें भी रफड़ ला जाएगी इसमें भी हम फ्रिल लगाएंगे तो ये आ, क्या नाम है उसका मतलब तो हमें थोड़ा सा ये डबल चाहिए होगा ये देखें दो मैंने किए हैं ठीक है ये लेने के बाद आपने इसको क्या करना है आप इसकी मैं आपको वर्थ भी करके बता देती हूँ कि इसकी लेंथ भी करके बता देती हूँ कितनी होगी इसकी तकरीबन लेंथ जो है वो आपके पास आ जाती है एलेवन आ जाती है ठीक है अब एलेवन करने के बाद ये दो पीसेस तैयार हो चुके हैं सेम व है इसकी दो पीसेस हैं पीसे है, एक्जैक्टली वैसे ही आपने करना है जैसे कि कटन्स के हैं एलेवन इसकी वर्थ है और इसको क्योंकि मैं इस तरह कर लूँगी तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो बन जाएगा चलें अब हम आ जाते हैं अपनी रफ़ल्ट पे अपनी जो फ्रिल हमने लगानी है आप ये देखें तकरीबन मैंने कपड़ा लिया है मैचिंग कर लें उसके साथ मैंने बड़ा प्लेन कपड़ा लिया है तो आप इसको मैच करेंगे तो आप देखेंगे तकरीबन फ़ाइव इंचेस की इसकी जो चौड़ाई थी वो फ़ाइव इंचेस है जबकि इसकी लेंथ सेम एग्जैक्टली वही आपने फोटी सिक्स रखनी है मैं इसको डबल कर लूँगी ठीक है इसी तरह हमने लगा लेना है फ्रेंड्स अब मैंने इसके तकरीबन आप सेम इसी तरह के पीसेज जो है तकरीबन चार से पाँच आप रख लीजिए ठीक है लेंथ वही एग्जैक्टली फोर्टी सिक्स इंचज होगी और जो वर्थ होगी वो आपकी सिक्स इंचेस होगी फाइव कर लें सिक्स कर लें ठीक है तो इस तरह के तकरीबन आपने और कितने जमा कर लेने हैं आपने तकरीबन पाँच जो है ये बना लेने हैं ठीक है ये रख लीजिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये मैंने दूसरा रखा है ये दोनों ऊपर जो आपका शेल्टर जो हम बना रहे हैं सॉरी जो शेड बना रहे हैं ना उसके लिए आपने लगानी है दो उधर लगानी है दो हम कर्टन्स की साइडों पे लगाएंगे ठीक है और दो नीचे आ जाएंगी तो तकरीबन आपके पास आ जाएंगी फोर सेम एग्जैक्टली सेम लेंथ है इनकी ठीक है लेंथ मीन्स लंबाई में ये कितने हैं तकरीबन फोटी सिक्स हैं और जो इनकी विड्थ है वो तकरीबन फ़ाइव मैंने सिक्स लिया आप फाइव भी ले सकते हैं सिक्स भी ले सकते हैं चार आपके पास तैयार हो जाते हैं ठीक है अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे मैंने पाँच ले लिए हैं ठीक है पाँच ले लिए हैं अब मैं आ जाती हूँ अपनी नेक्स्ट चीज़ पे अब ये जो है कपड़ा ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है ठीक है इसको तकरीबन इसकी वर्थ फोर रख लें फाइव रख लें ठीक है मैंने फ़ोर जो है आ, आ, फाइव इंचेस जो है मैंने इसकी वर्थ ले ली है लंबाई इसकी वही 46 है और इसको मैं काट लूँगी और ये हमने जो विंडोज़ को बंद करने के लिए जो रिबन टाइप बनाया जाता है ये वो बनाने के लिए मैंने ली है ठीक है लेंथ भी इसकी एग्जैक्टली exactly उसी तरह आप रख लीजिए 46 रख लीजिए ठीक है और दोनों को मैं काट के और इनको मैं अच्छे से आ, स्टिच कर लूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा रिबन आ जाएगा जिससे हम विंडोज़ के जो हैं उनको आ, बंद भी कर सकते हैं इसको मैं काट लेती हूँ और ये हमारी सारी कटिंग जो है वो तैयार हो चुकी है अब हम इस तरह करते हैं अब हम अपनी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं अब फ्रेंड्स ये देखें जो आपने ऊपर फिल ली है उसका मैंने नीचे से जो है वो मोड़ के उसे मैंने स्टिच कर लिया है ठीक है इसकी मैं फ्रिल बनाऊंगी ये आप देख सकते हैं ये इस तरह आपने तैयार करना है ठीक है ऊपर से मैंने कर लिया अब मैं इसकी जो ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर पहले मैं इसको आपको फ्रिल लगाना सिखा देती हूँ इसको रफल्ड कहते हैं ठीक है ये देखें ये मैंने इसको भी ऊपर से स्टिच कर लिया है सिक्स इंचज़ की इसकी वर्थ है और लंबाई वही आपने एग्जैक्टली फोर्टी सिक्स की रखनी है तो अब आप ये देख सकते हैं इस तरह आपने दोनों को रेडी करने के बाद आप इसको नीचे से हमने इसको स्टिच किया था और ऊपर आपने सिंपल फ्रेड बना के इसको स्टिच कर लेना है तरह फ्रेंड्स आपने थोड़ा सा फोल्ड करना है और इस तरह करते करते आपने ये पूरी जो है वो इसके ऊपर लगा देनी है ये आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुकी है ठीक है 46 सिक्स थी दोनों की लेंथ अब हम आ जाते हैं अपने बड़े वाले कर्टन की तरफ ठीक है इसके भी आपने जो नीचे जो एरिया होता है कर्टन का उसको आपने इस तरह करके आपने सिंपल इसकी जो है इसको मोड़ लेना है ताकि बहुत ही नीट और क्लीन लुक आ जाए आपके पास ये फ्रेंड्स मैंने नीचे सी लिया एज़ यू ऑलरेडी नो कि हम ये दो पर्दे बना रहे हैं ठीक है आपने नीचे सीने के बाद अब हम फ्रंट पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने इसको लटकाना होगा जिसको तो आपने उसको ऊपर वाली साइड को आपने इस तरह से स्टिच कर लेना है ठीक है ये आपका इस तरह जो है वो पर्दा तकरीबन तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर रफर लेस लगाने लगे हैं ठीक है इस कपड़े को आपने इस तरह आपने फोल्ड करके रखना है और आपने अब ये जो मैं स्टिच कर रही हूँ ये मैं कर रही हूँ साइड्स पे ठीक है जो पर्दे की जो साइड्स होंगी जो दरमियान वाली साइड्स होंगी उस पे आपने इस तरह फ्रिल बना के लगा देनी है ठीक है दोनों कर्टन्स को आप इसी तरह रेडी कर लीजिए आपको एंड में भी पता चल जाएगा हमारी ये नीट लुक कैसे आएगी इसके बाद हम इस फ्रिल को दोनों साइडों पर लगाने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि जो बांधते हैं हम कर्टन्स को वो किस तरह बनाए जाते हैं नाउ फ्रेंड्स अब हम वो बना लेते हैं जिससे आपने पर्दा जो है आप चाहे तो आप बांध सकते हैं चाहे तो आप ना बांधें ये आप पे डिपेंड करता है ठीक है तो ये आपने किस तरह बनाना है ये भी मैं आपको बनाती हूँ ये हम आपको बहुत ही सिंपल से प्लेन जो कर्टन्स होते हैं वो बनाना सिखा रहे हैं आगे हम आपको और भी वैराइटीज़ इसमें दिखाएंगे ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह आपने इसको फोल्ड करके आपने इसको स्टिच कर लेना है और ये दो आपके इस तरह तैयार हो जाएंगे ना फ्रेंड्स ये हमारे पर्दे तैयार हो चुके हैं ठीक है आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह रफर लेस लगाई है साइडों पे लगाई है ठीक है और ये मेरा दूसरा पर्दा भी तैयार हो चुका है ये दोनों जो रफर लेस है देखें आप दरमियान में आ रही हैं अब मैं इसके जो ऊपर फ्रंट है अब हम उसके ऊपर ये जो हमने एक शेड टाइप सा बनाया है कपड़ा वो आपने दोनों स्टेज इसके ऊपर स्टिच कर देना है ठीक है इससे एक बहुत ही अच्छी लुक आ जाएगी इस तरह आप पूरा पर्दा लगा लेंगे और बीच में आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं तो इस तरह फ्रेंड्स हमारा कर्टन्स बहुत ही खूबसूरत तैयार हो गया देखिए मैंने किस तरह बनाए हैं ये आपको अब एक अच्छी एक लुक आ गई होगी आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स और अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं और आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉमेंट्स में बताया करें ताकि हम आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक और आपकी डिमांड के मुताबिक आपके लिए वीडियोज़ बनाएँ ये आपको मैंने सिंपल किचन के कर्टन्स हैं हम जल्दी आपको बेडरूम सेट और और भी डिफरेंट जो है वो डी वग़ैरह और कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज़ बनाते रहेंगे आपके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो ख़ुदा हाफिज